कुणाल बख्शी मेरा नाम है। और इस शो की बात करें, इसमें किस तरह किरदार है, क्या? मैं इसमें प्ले कर रहा हूँ इंद्र, भगवान इंद्र लॉर्ड थे जो राजा थे देवताओं के, और एक एटीट्यूड था कि मेरा राज्य सिर्फ मेरा रहना चाहिए और किसी के पास नहीं जाएगा, और असुरों और दानवों को वो बहुत छोटा सोचते थे, तो एक एटीट्यूड था, और वो चाहते थे कि जो शनि है, शनि विल बी ऑन हिज साइड, दैट्स इट, वो उनका था, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग सब। इससे पहले आपने सूर्यपुत्र किया, हाँ, इसका ये क्या, कैसा रहा आपको ये शो की? नहीं, शो तो अगर आप झुकाव रहता है टीवी की तरफ ज़्यादा, बड़े शो की तरफ, या फिर किस तरह से लोग काफ़ी बड़े बड़े कॉस्ट्यूम होते हैं, टाइम होता है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सी, बेसिकली इट्स अबाउट लविंग व्हाट यू डू, वॉट एवर यू डूइंग, इफ़ यू लव व्हाट यू डू तो आप कुछ भी कर लेते हो, तो प्यार है एक जो काम करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छा मिल रहा है, काम अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, सो व्हाई नॉट, इट्स गुड, आई लव व्हाट आई डू। इंद्र की बात करें तो कुछ आपने तैयारी की, जैसे आप महाभारत सब पुराने जो वगैरह देख के, कि किस तरह का किरदार होता है इंद्र के बारे में कुछ अलग? जी बिल्कुल, तैयारियाँ की गई थी, हमारी वर्कशॉप्स ली गई थी स्वास्तिक प्रोडक्शंस में, जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ तिवारी, हमारी वर्कशॉप्स हुई थी, हमारी रीडिंग्स हुई थी, हमको करेक्टर्स के बारे में बताया गया था, समझाया गया था, रिहर्सल्स हुई थी, तो मतलब इट्स अ बिग मैग्नस ओपस जो आ रहा है टीवी पर, ऐसा है, बहुत तैयारी की गई। इंद्र देवता जो काफ़ी गुस्से वाले बताए जाते हैं, कि जब काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं तो पूरा तबाही मचा देते हैं, तो इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? नहीं, इंद्रदेव क्रोधित होते हैं, इंद्रदेव को गुस्सा भी आता है, सब कुछ होता है, बट उसके पीछे एक मोटो रहता है, बिकॉज मोटो क्या होता है, इनसिक्योरिटी, कि जो मेरी जगह है वो किसी को नहीं मिलनी चाहिए, बस यही है। अब उसमें प्लानिंग भी है, प्लॉटिंग भी है, और ये हुआ तो नेगेटिव भी हो गया, तो अपना गुस्सा किस पर उतारेंगे आप इसमें? देखिए, मेरे गुस्सा नहीं होता है, बेसिकली ये इट्स एक स्कीम होती है, कि अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये ऐसे होगा, ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा। स्टार्टिंग में आप देखेंगे शुक्राचार्य के अपोजिट मेरा होगा, फिर मेरा सबसे धीरे धीरे जब प्लॉट खुलने शुरू होंगे तो सबके साथ, बिकॉज ही इज़ द नेगेटिव, मतलब ग्रे भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, वो अपनी कुर्सी अपने पास रखना चाहता है, किसी को नहीं देना चाहता है। शनि की अपनी एक अलग कम्युनिटी है, कहते हैं शनि जिस पे भारी होता है, शनि जिस पे फिदा हो जाए, हाँ, क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, ये हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो सिर्फ ये सुना है कि जब शनिदेव खुश होते हैं तो मतलब आप ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाते हैं, और मैं तो बहुत बड़ा डिवोटी हूं, मैं तो अगर हर महीने नहीं तो एटलीस्ट दो महीने में या तीन महीने में एक बार तो मैं शनि शिंगणापुर जाता हूं। इस शो के लिए आपने अलग से कितना एक्साइटमेंट आपके लिए, क्या तैयारियाँ घर पर कुछ देख के, शो वगैरह देख के उसके बारे में? नहीं, एक्साइटमेंट तो बहुत था, और तैयारियाँ मैंने आपको बता दी हैं, जैसे कि हमारी वर्कशॉप्स होती थी, हमारी रिहर्सल्स होती थी, हमारी रीडिंग्स होती थी, सब कुछ होता था, तैयारी तो वही है। फिल्म में टीवी शो में मैनेज हो जाता है, लेकिन इसमें वर्डिंग, हर वर्ड एक एक स्पीच अलग होती है, बात करने का तरीका, कपड़े पहनने का, वो कितना मुश्किल है टफ इसमें? देखिए सर, एक्टिंग इसी को बोलते हैं। सूर्यपुत्र हैं, काफ़ी भारी भरकम मुकुट होते हैं, कॉस्ट्यूम होते हैं, इसकी बात करें, नॉर्मल शो की बात करें, तो कितना मुश्किल है? सोशल वो है, सोशल भी अच्छे हैं, बट इसमें है, इसमें एक चैलेंज है आपको, आपको चैलेंज है कि आपको कॉस्ट्यूम्स के साथ, उस मेकअप के साथ और उस डायलॉग डिलीवरी के साथ आपको परफॉर्म करना है, और जब वो कर लिया तो फिर आप। आपके साथ और कौन कौन है इस शो में? मेरे साथ हैं सलील अंकोला जी हैं, जूही परमार हैं जो शनि बच्चा प्ले कर रहा है, कार्तिक मालवीय है, देन टीनू वर्मा जी हैं, गोफी पेंटल हैं, सब सीनियर्स हैं। टीनू जी फाइट के गुरु माने जाते हैं, तो आपके कैसा रहा उनके साथ में? बहुत 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 अच्छा है, ही इज लाइक, ही इज वेरी सीनियर टू मी, इज लाइक माय फादर्स एज, और मजा आता है काम करने में। और क्या उम्मीदें हैं इससे? बहुत उम्मीदें हैं, ये शो इंडियन टेलीविजन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले जो अब तक बने हैं, बिकॉज द वे वी आर मेकिंग दिस शो एंड द वे द चैनल इज प्रमोटिंग द शो, और जो हुआ इट्स लाइक इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली। इसके अलावा और आपके आने वाले शो क्या है? अभी तो जब हम महीने में 30 दिन एक जगह काम कर रहे तो और कहीं कर नहीं सकते। एक सवाल रह गया कि बिल्कुल पूछिए, इसका शूट हमारा उमरगांव सेट्स पे होता है, मतलब बहुत बड़े सेट्स, 8 सेट्स लगाए गए हैं वहाँ पे अलग अलग। आपके
जी मुंबई से बाहर। कितना टफ है आपके लिए? बिल्कुल टफ नहीं है, मतलब बॉम्बे में ट्रैवल करना टफ है, बॉम्बे से आप बाहर जाओ तो बहुत ईजी है। या मैं बैंड्रा से गोरेगांव जाता हूँ मेरे को 1 घंटा लगता है, नॉर्मली वहाँ मैं 2 घंटे में पहुँच जाता हूँ, बिकॉज बॉम्बे इज टू मच ऑफ ट्रैफिक नाउ डेज। सनी के लिए फैंस को क्या बोलना चाहेंगे आप? प्लीज़ वॉच द शो, इट्स द बेस्ट शो ऑन टीवी टिल डेट। आप देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बच्चों को भी मज़ा आएगा, यंगस्टर्स को मज़ा आएगा, और हमारे एल्डर्स जो है उनको तो आएगा ही आएगा, एंड आई नो एवरीबडी इज वेटिंग। थैंक यू सो मच। विजुअल ले रहे थोड़ा सा।